सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आईपीएल वालों को। वो क्यों? कि वो सारा सिनेरियो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ है और पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की हैं, और वो उससे वो सबक सीख कर अपनी आईपीएल बहुत अच्छी करा लेंगे। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी लोग वहाँ पर गए हुए हैं, वो क्या इंतजाम कर रहे हैं वहाँ पर, वो क्या देख रहे हैं, क्यों इस किस्म के हालात और वाक़ात रूनुमा हो रहे हैं, फिर हम आगे कैसे तमाम तर स्केजुलिंग बनाएंगे, हम कैसे मैचेस का आगाज़ करेंगे जब ये इतनी अनसर्टन सूरत हाल क्रिएट हुई भी है। देखिए, कल तो मैंने आपसे सब लोगों से सवाल यही किया था ना कि हम शर्मिंदगी की बात है नहीं। आज सब कह रहे हैं कि, कल कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं है, मगर आज सब कह रहे हैं कि ये शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, दो तीन पॉइंट्स मैं लिख रहा था। एक तो मुझे कहीं ऐसा शक पड़ा कि कोई डेलिब्रेट तो नहीं वहाँ से ऐसे काम किए गए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना आप पहले दिन से कह रहे हैं। हाँ, कि किसी ने वहाँ पर, देखे ना, इंडिया का तो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का तो इन्फ्लुएंस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेट्स से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, व्हाई नॉट इंडिया? आप क्यों डरते हैं क्या? मैं तो नहीं डरता ना सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया तो नहीं चाहता ना कि पाकिस्तान की जो लीग है वो अच्छी तरह हो। अजम्पशन है ना सर। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप अजम्पशन करते रहे। फिर मैं एक और सवाल में, शाह महमूद कुरैशी साहब बीच में इन्वॉल्व हुए थे, सब ने बोला जी जनाब हुकूमत आ गई है बीच में और फलां फलां, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने किस से बात की, क्या उनकी भी बात को वहाँ पर वेट नहीं दिया गया कि जी क्या उन्होंने काउंसिल से बात की थी, हुकूमत के किस बंदे से बात की थी कि वो सारी बातें क्लियर नहीं कर सके। और फिर आखिरी में ये होगा कि आप ये देखिएगा कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो वहाँ के जो ऑफिसर्स गए हैं उन्होंने नालायकी दिखाई, वो नहीं कर सके, वो आकर ब्लेम किसको देंगे? यूएई को, कि जी यूएई की जो काउंसिल थी उन्होंने हमें लेट डाउन कर दिया, या यूएई की जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, हुकूमत थी, उन्होंने हमें लेट डाउन कर दिया, हमने तो सब तैयारियां कर ली थी। इवेंचुअली ये होगा। अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि फ़ायदा किसको होगा, हमने तो बहुत जल्दी कर दी कि पता नहीं बस क्या होना था। मैं बार बार ये पूछ रहा था कि जी जल्दी किस बात की है, हम चले गए, कूद गए, सब कुछ कर दिया, अभी भी हम मतलब किश्ती जो है हमारी भंवर में फंसी हुई है। ठीक है, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन बैकअप प्लान्स, और हम सोच रहे हैं कि जी अगर अबू धाबी में नहीं होता तो फिर शारजा में कराया जाए या दुबई में कराया जाए। एग्जैक्टली